हेलो एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर टीचर अमरोहा। दिस वीडियो इज द थर्ड ऑफ द सीरीज कॉल्ड फ्रेज एंड क्लॉज। इन द अर्लियर टू वीडियोस आई टोल्ड यू अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज टू। इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन a phrase and a clause, and in the second video of this series I taught you especially about phrase and its various types. And now in this third one I'm going to teach you what a clause is and what are its numerous types. So this topic should not be a very new one to you if you have watched my two earlier videos, but of course you are going to learn a lot about clause and its types. The name of my channel, as you know very well, is English Grammar and Literature Teacher Amroha, and I hope that you have liked this channel and you have also liked the videos which I have uploaded so far. If you have liked this channel, I appeal to you to subscribe to it. And this video which you are going to watch now, in case you like it, please press the like button. And I have got to say something about the quality of the video or about the quality of the lesson. Please do comment in the comment section. I would be very glad to have a communication with you. So let's come to the topic directly. Clause and its types. Clause, let us revise it just for the same time. पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंस के बारे में बताया था, इस वक्त उस पर एलैबोरेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। फ्रेज में भी जो वर्ड्स हैं वो सही ऑर्डर में रखे होते हैं और क्लॉज में भी वर्ड्स सही ऑर्डर में रखे होते हैं। मेन डिफरेंस ये है दोनों में कि फ्रेज जो है उसमें इनकम्प्लीट सेंस होता है जबकि क्लॉज में कम्प्लीट सेंस होता है। ये तो सेंस की बात हो गई, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब फिर से बता देता हूँ, वो वर्ब जो टेंस शो करता है। टेंस मतलब कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। अब जैसे ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने कि अंडर द स्काई। अब अंडर द स्काई में तीन वर्ड्स हैं, तीनों सही ऑर्डर में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ही सब उल्टा पुल्टा होता, स्काई दी अंडर, नहीं, अंडर द स्काई वर्ड्स बिल्कुल सही ऑर्डर में हैं, तो सेंस है बेशक। तो अंडर द स्काई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और वी लिव अंडर द स्काई ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अंडर द स्काई में इनकम्प्लीट सेंस है जबकि वी लिव अंडर द स्काई इसमें कंप्लीट सेंस है। तो अंडर द स्काई फ्रेज हुआ और वी लिव अंडर द स्काई ये आपका क्लॉज हुआ। तो क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, वर्ब से मतलब फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। अब ये द बॉय सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग वर्ब है, और इज प्लेइंग जो वर्ब है, वर्ब तो इसमें दो हैं इज और प्लेइंग, लेकिन प्लेज इज जो है वो आपका टेंस शो कर रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इस तरह से कंप्लीट सेंस है इसमें, तो ये क्लॉज हुआ। तो क्लॉज अब आप समझिए, क्लॉज जो है मेनली तो दो पार्ट्स में ही इसे डिवाइड किया गया है, एक मेन और एक सबऑर्डिनेट। मेन को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इनडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इनडिपेंडेंट क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता अपने मीनिंग के लिए, इसलिए इसे मेन भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं।
सबऑर्डिनेट, सब का मतलब ही जूनियर होता है, वर्किंग अंडर समवन, किसी के अंडर काम करना, सबऑर्डिनेट, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। सेंस तो इसमें कंप्लीट होगा क्योंकि क्लॉज है, लेकिन एक थॉट कंप्लीट नहीं होगी। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। अब इसमें ये जो आया सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, इसको भी फर्दर तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। पहला है नाउन क्लॉज, वो क्लॉज जो नाउन का काम करे उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। दूसरा नाम दिया है रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रही हो सेंटेंस में उसे रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज, जो काम एडवर्ब का होता है वही काम अगर ये क्लॉज कर रही है तो इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। रिमेंबरेबल पॉइंट ये है कि एवरी क्लॉज हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। अब आते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज जो होती है यानी प्रिंसिपल क्लॉज या इनडिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती, मेन क्लॉज, वो तीन क्राइटेरिया, तीन कंडीशंस होंगी उसकी। वैसे तो किसी भी क्लॉज की तीन कंडीशंस होती हैं, लेकिन मेन क्लॉज की तीन होंगी। कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करती हो, सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब हो उसमें, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ये सबसे छोटी कंडीशन है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेजी स्टूडेंट्स वाइन, वाइन का मतलब टू अटर अ क्राई ऑफ कंप्लेंट, रोना, शिकायत के अंदाज में रोना, स्पेशली थ्रू योर नोज। लेजी स्टूडेंट्स वाइन, लेजी स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड वाइन इज द फाइनाइट वर्ब। वाइन से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। लेजी स्टूडेंट्स वाइन, थोड़ी एस्पिरेट साउंड कर सकते हैं आपसे, वाइन, थोड़ी सी ब्रेथ की साउंड जा सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है और वाइन जो है वो फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कोला स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। कोला, कोका कोला जैसे, स्पिल्ड ओवर द ग्लास, गिलास से छलक कर बाहर आ गए एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर, और काउंटर पर बिखर गए। तो कोला यहाँ पर सब्जेक्ट है और दो वर्ब आएंगे इसमें, स्पिल्ड भी है फाइनाइट वर्ब और स्प्लैश्ड भी है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, ये मेन क्लॉज होगी। माई डॉग लव्स पिज़्ज़ा क्रस्ट्स, अब ये माई डॉग जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है यहाँ पर, और लव्स जो है वो फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ ज़रूरी ये होता है कि हर सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होना चाहिए। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो एक फ्रेगमेंट बन के रह जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। मेन क्लॉज के में जैसे आपने बताया कि आपको बताया कि मेन क्लॉज जो है उसमें थॉट कंप्लीट होगी, देयर वुड बी कंप्लीट थॉट इन द मेन क्लॉज। दूसरी टाइप की जो क्लॉज है वो है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए या अपने थॉट के लिए दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करती है। इस सबॉर्डिनेट क्लॉज को जैसे मैंने बताया तीन हिस्सों में बांट लिया है। पहला नाउन क्लॉज, देखिए एक ओवल बना हुआ है ऊपर, ओवल के अंदर लिखा है इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। नाउन क्लॉज जो होती है ये व्हाट का आंसर देती है, बहुत ईजी है ये। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस किए होंगे तो जितने भी इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं, जो रिपोर्टेड स्पीचेस हैं, इस रिपोर्टेड स्पीचेस में भी जो रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स हैं और रिपोर्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे नाउन क्लॉज के ही एग्जांपल्स होते हैं। रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स और रिपोर्टेड क्वेश्चंस, दीज आर स्पेशली द एग्जांपल्स ऑफ नाउन क्लॉजेस, क्योंकि वो सब व्हाट का ही आंसर दे रहे होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, एनी क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन बिकम्स अ नाउन क्लॉज। लुक एट दिस एग्जांपल, यू रियली डोंट वांट टू नो द इंग्रेडिएंट्स इन आंट नैंसीज़ स्टू।
अभी जो एग्जांपल लिखा है थोड़ा बड़ा है मगर इजी है. यू रियली डोंट वांट टू नो द इंग्रेडिएंट्स इन आर नाइनसीज स्टू. अब इसमें जो नाउन है वो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है. अब इस नाउन की जगह आप कुछ और ऐसा डालें जो इसकी जगह बिल्कुल फिट हो जाए और मीनिंग में चेंज ना आए खास, तो वो नाउन क्लॉज ही कहलाई जाएगी. देखिए, इफ़ यू रिप्लेस द नाउन इंग्रेडिएंट्स विद अ क्लॉज, वी हैव अ नाउन क्लॉज. यू रियली डू नॉट वांट टू नो व्हाट आंट नैन्सी एड्स टू हर स्टू. इंग्रेडिएंट्स की जगह आपने लिख दिया व्हाट आंट नैन्सी एड्स टू हर स्टू. सो जैसे वो इंग्रेडिएंट्स नाउन था, बिल्कुल वही काम यहाँ पर इस क्लॉज ने किया है, ठीक है. आप सच में नहीं जानना चाहते. क्या नहीं जानना चाहते? कि आंट नैन्सी अपने स्टू में क्या मिलाती हैं. क्या नहीं जानना चाहते, मतलब क्या का आंसर ये पूरी क्लॉज दे रही है. जैसे क्या का आंसर वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ने दिया था, वैसे ही क्या का आंसर इस क्लॉज ने दिया यहाँ पर. तो जो नाउन क्लॉज होती है वो व्हाट का आंसर देती है. व्हाट आंट नैन्सी एड्स टू एस टू इज अ नाउन क्लॉज. ओके, अब देखते हैं अगली क्लॉज पर आते हैं. नाउन क्लॉज और नाउन क्लॉज के बाद रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव, अगर आप इस पार्ट ऑफ स्पीच को जानते हैं अच्छी तरह कि एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है किसी सेंटेंस में, कि या किस वर्ड को मॉडिफाई करता है, किसे क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी आप बेहतर समझ पाएंगे. एडजेक्टिव वैसे तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है. नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. अब ये रिलेटिव क्लॉज भी इसे कहते हैं क्योंकि एक रिलेशन बनाता है. एक इसमें नाउन भी दे रखा होगा और जिस नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है वो आगे होगा, ठीक है. इसकी एक ख़ास पहचान है कि नाउन और नाउन के फौरन बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब दे रखा होगा. रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये जो दैट है, विच है, या हु, हुज, होम, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है. और रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, जैसे व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं. तो होगा क्या इसमें, जैसे एग्जांपल दे रखा है, होम मिसेज रसल हिट इन द हेड विद चौक इरेजर. अभी सेंटेंस में देखिए, होम मिसेज रसल हिट इन द हेड विद अ चौक इरेजर, जिसे मिसेज रसल ने चौक इरेजर से सिर पर हिट किया. तो अभी लग रहा है कि दे इज समथिंग मिसिंग, ठीक है. कुछ अभी इसमें मिसिंग है पूरे सेंटेंस में. होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, मिसेज रसल सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है. वेयर ही चूज एंड रूल्स विद ग्रेट एंथुसियाज्म. वेयर यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है और ही सब्जेक्ट है, चूज या रूल्स ही वर्ब्स हैं. दे हैड स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर. दैट हैड स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर. यहाँ दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है. और हैड स्पिल्ड, ये हैड स्प्लैश्ड, ये वर्ब्स. हु लव्स पिज़्ज़ा क्रस्ट, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पर. यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है बल्कि जो है, जो कि पिज़्ज़ा क्रस्ट को बहुत पसंद करता है. तो हु यहाँ पर जो, जब जो के सेंस में आता है हु, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है. और अगर हु जो है वो कौन की बात कर रहा है, तो हु वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. हु अगर जो के सेंस में है, जो, जो की, तो रिलेटिव प्रोनाउन है. और हु अगर कौन का काम कर रहा है तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और क्लियर हो जाएगा. अभी देखें, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स, ये इसकी ख़ास पहचान है. अब जैसे सेंटेंस ये कहा जाए कि ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का है. हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. तो ही इज़ द बॉय, ये द बॉय तो नाउन हो गया. हु स्टूड फर्स्ट, वो लड़का जिसने क्लास, जो क्लास में फर्स्ट आया है. ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. तो द बॉय और हु, ये जो हु है यहाँ पर, ये
द बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा लड़का जो क्लास में फर्स्ट आया है। तो जब ये डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे, और वो नाउन भी दे रखा हो, नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो, जैसे कि एडजेक्टिव काम होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स हैं इनसे ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा। ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ही इज़ द बॉय हुज पेन यू टुक, ये वो लड़का जिसका पेन तुमने लिया था, दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। सो नाउन भी दे रखा हो, इस नाउन या इस प्रोनाउन को एंटीसीडेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होता है। अक्सर इसमें चलिए आगे आते हैं, ये क्लियर ही होगा। तीसरा जो है जो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेती है वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज जो एडवर्ब का काम करे सेंटेंस। अब एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं। वेन एवर लेजी स्टूडेंट्स वाइन, ये भी इनकम्प्लीट थॉट ही शो करती है, जैसे कि नाउन क्लॉज भी इनकम्प्लीट थॉट शो करती है, रिलेटिव क्लॉज भी इनकम्प्लीट थॉट शो करती है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, अब ही टोल्ड मी ये एक क्लॉज हो गई, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट थॉट दे रही, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। दैट ही वॉज इल कि वो बीमार था, ये दैट ही वॉज इल है, ये नाउन क्लॉज है, उसने मुझे क्या बताया, क्या का आंसर दे रही है, दैट ही वॉज इल। ये जो दैट ही वॉज इल है ये नाउन क्लॉज तो है, लेकिन ये दैट ही वॉज इल अगर इतना सा लिखा हुआ हो तो ये अपने आप में सही नहीं लग रहा है, इनकम्प्लीट थॉट है, सेंस तो है जैसे कि क्लॉज में होना चाहिए, लेकिन थॉट इनकम्प्लीट है, दैट ही वॉज इल, जबकि ही टोल्ड मी ये कम्प्लीट थॉट है, तो ये मेन क्लॉज है, और दैट ही वॉज इल ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या है, नाउन क्लॉज, क्योंकि वॉट का आंसर दे रही है। अब अगला एग्जाम्पल जो अभी दिया मैंने आपको कि ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ही इज़ द बॉय ये तो अपने आप में कम्प्लीट थाट एक्सप्रेस कर रही है, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास अगर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ हो आपके सामने, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, तो यही मतलब होगा जो क्लास में फर्स्ट आया। तो अभी अगर अकेला इतना सा लिखा हुआ है तो ये इनकम्प्लीट थाट एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि ही इज़ द बॉय ये कम्प्लीट थाट एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये ही इज़ द बॉय ये तो हुआ आपका मेन क्लॉज, और हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या कहा जाएगा, रिलेटिव क्लॉज। अब ये बात शुरू कर रहे हैं हम एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज जो है सेंटेंस में एडवर्ब का ही रोल अदा करती है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया था, एडवर्ब क्लॉज जो होती है इसे ऐसे देखते हैं, आप डिटेल में देखिए। एडवर्ब क्लॉज जो है कई हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहला दिया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो ये होंगे, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस। एडवर्ब क्लॉज जो है इन कंजंक्शंस से इंट्रोड्यूस की जाती है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन जो है आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, व्हेन ही एंटर्ड द रूम ही फाउंड नोबडी देयर, व्हेन ही एंटर्ड द रूम ही फाउंड नोबडी देयर, ही फाउंड नोबडी देयर ये मेन क्लॉज है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ इतना सा लिखा हो व्हेन ही एंटर्ड द रूम, तो आप भी समझ जाएंगे कि अभी थॉट इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ और आगे आना चाहिए, जब वो कमरे में घुसा, है ना। अगर सिर्फ इतना सा लिखा हो तो लगेगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग इनकम्प्लीट देयर। तो व्हेन ही एंटर द क्लास ये अपने आप में इनकम्प्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रही है,
ही फाउंड नोबडी देयर, ही फाउंड नोबडी देयर, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रही है। तो ये व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं टाइम को रेफर कर रहे होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी होती है, अब उसके लिए कौन से कंजंक्शंस होते हैं, वेयर, वेयर एवर, वैंस, वेदर, ठीक है। गो बैक टू द प्लेस वेयर यू केम फ्रॉम, ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है। गो बैक टू द प्लेस, वापस उस जगह जाओ जहाँ से आए, उस जगह, विच प्लेस, रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो विच का आंसर देती है, जैसे नाउन क्लॉज व्हाट का आंसर देती है। वेयर वहाँ भी हो सकता है, वेयर नाउन क्लॉज में भी हो सकता है, ऐसे ही ऊपर जो व्हेन आया, व्हेन नाउन क्लॉज में भी हो सकता है, और व्हेन आपका रिलेटिव क्लॉज में भी हो सकता है, लेकिन यह सोचना आपको यह है कि वो क्लॉज नाउन का काम कर रही है या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो रिमेन वेयर यू आर, जहाँ हो वहीं रहो, तो ये जो वेयर है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में गिना जाएगा। तो वेयर, वेयर एवर, वैंस, विदर, इससे जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी होती है, इसके लिए कंजंक्शन जो यूज़ किए जाते हैं वो दैट, इन ऑर्डर दैट, या सो दैट, या लेस्ट। एक होती है कॉज और रीज़न की, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न, जिससे कॉज या रीज़न दिखाते हैं, उसके लिए जो कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं वो है बिकॉज, एज, सिंस, दैट, या कॉमा मिसिंग है, एज के बाद कॉमा यहाँ पर, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ये सिंस वहाँ पर भी लिखा हुआ है ऊपर में सबसे पहली लाइन में, क्योंकि सिंस जो है वो टाइम को भी रिफ़र करता है, सिंस जो है कॉज को भी शो करता है, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, सिंस जो है वो सी के लिए भी आता है, ठीक है। सो मच हैज़ चेंज सिंस यू लेफ्ट द सिटी, बहुत कुछ बदल गया है जब से तुमने शहर छोड़ा है, तो सिंस जो है वो टाइम को भी रिफ़र करता है, सिंस यू लेफ्ट द सिटी, जब से तुमने शहर छोड़ा है। ये ध्यान रखिए, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। अब ये जो सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। कंजंक्शन जब होगा जब ये क्लॉजेस को जोड़ेगा, तो सिंस जो है, सिंस के बाद 2002 आ रहा है, तो वो कोई क्लॉज नहीं है 2002, वो सिंस जो है वो प्रेपोजिशन है, ये जो सिंस है कंजंक्शन है ना। सो मच हैज चेंज्ड सिंस यू लेफ्ट द सिटी, ये सिंस जो है टाइम को रेफर कर रहा है। अब सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, आई टॉक टू यू ब्रदर सिंस यू आर नॉट देयर, मैंने तुम्हारे भाई से बात की क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे, तो सिंस क्योंकि भी होता है। तो अगर सिंस क्योंकि है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीज़न में आएगा, और सिंस अगर टाइम को रेफर कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिंस प्रेप भी होता है, प्रेप को कंजंक्शन मत समझ लीजिएगा, कंजंक्शन को प्रेपोजिशन मत समझ लीजिएगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होती है, वो जो है इनसे इंट्रोड्यूस की जाती है, इफ़ वेदर अनलेस, ठीक है, इफ़ वेदर अनलेस। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली सक्सीड, तो इफ़ जो है अगर वाले सेंस में है तो ये इसमें आती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ देखते ही आप कहें कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। इफ़ जो है वहाँ भी आ सकता है नाउन क्लॉज में भी, वो कैसे, ही आस्क मी इफ़ आई वॉज फाइन, ही आस्क मी इफ़ आई वॉज फाइन, ही आस्क मी व्हाट डिड ही आस्क मी, इफ़ आई वॉज फाइन। तो ये जो इफ़ आई वॉज फाइन है तो ये व्हाट का आंसर दे रहे हैं पूरी क्लॉज, तो ये नाउन क्लॉज है वहाँ पर, और वैसे भी इफ़ जो है वहाँ अगर वाला काम नहीं कर रहा है। ही आस्क मी इफ़ आई वॉज फाइन, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था, लेकिन यहाँ इफ़ जो है वो अगर के सेंस में, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली सक्सीड। तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज है, और वो जो इफ़ आ रहा है तो वो नाउन क्लॉज में आ रहा है। सो अपने सारे डाउट्स को दूर कर लीजिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट दिखाती है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस में आती है, ये दैट से शो की जा सकती है।
अब जैसे ये है कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली, वो इतना कमज़ोर है कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। तो उसकी जो वीकनेस है, उसकी वीकनेस का रिजल्ट शो कर रही है, उसकी वीकनेस का रिजल्ट शो कर रही है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ये दैट। अब दैट वहाँ भी आता है नाउन क्लॉज में, मैंने बताया था आपको, फिर वो एग्जांपल आप ले सकते हैं हल्का फुल्का। ही सेड दैट द सन इज़ हॉट, उसने कहा कि सन, सूरज गर्म है। ही सेड दैट द सन इज़ हॉट, व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने, दैट द सन इज़ हॉट। तो दैट वन, दैट द सन इज़ हॉट, दैट तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन वो नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दैट उधर भी आ सकता है, दिस इज़ द बुक दैट यू वॉन्टेड, ये वो किताब है जो तुम चाहते थे, वो एडजेक्टिव क्लॉज में आ गया, क्योंकि द बुक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, ये दैट से इंट्रोड्यूस की जाती है। ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन या मैनर भी होती है, ये देन या ऐसे इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, यू वर्क हार्डर देन आई डू, तुम मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हो, यू वर्क हार्डर देन आई पर भी रोक दिया जाता है बोलचाल में, लेकिन इसके अंदर वर्क छिपा होता है। ठीक है, और वर्क जो है जो पहले आ रहा होता है वही उसी टेंस में आगे भी आ रहा होता है, लेकिन वो अक्सर बोला नहीं जाता है। यू वर्क हार्डर देन आई, ये लिखा मिलेगा आपको, वो उससे ज़्यादा मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्डर देन आई, लेकिन है वो ये कि ही वर्क्स हार्डर देन आई डू, तो वो क्लॉज ही है, तो वो देन भी कंजंक्शन होता है। ऐसे ही एज़ भी होता है, एज़ कई बार आ चुका है, लेकिन हर बार उस एज़ का काम अलग होगा। ऐसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन भी होता है, सपोज़ कीजिए ऐसा करके, दो ऑल दो इवन इफ, दो ही वॉज सिक येट ही अटेंडेड द मीटिंग। यहाँ रिमेम्बरेबल पॉइंट ये है कि दो या ऑल दो के बाद आगे जाकर एक और कंजंक्शन आना मांगता है, या तो आप वो कंजंक्शन येट लिखते हैं, वाई ई टी येट, लेकिन के लिए, और अगर वो नहीं लिखना तो कॉमा से काम चला लेते हैं। दो ही वॉज इन, यहाँ अब येट लिखेंगे या कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अक्सर लोग गलती से बट लिख देते हैं, दो ही वॉज इन बट ही अटेंडेड द मीटिंग। दो की जो पेयरिंग होती है वो येट से होती है, और आप येट ना लिखें तो कॉमा से काम चल जाता है। दो ही वॉज इन कॉमा ही अटेंडेड द मीटिंग, ये कॉमा बहुत ही कंपलसरी है, येट अगर आप लिखना है तो कॉमा की ज़रूरत नहीं है। दो ही वॉज इन येट ही अटेंडेड द मीटिंग, या दो ही वॉज इन कॉमा ही अटेंडेड द मीटिंग। अभी आपने आज तीन खास करके सीखी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना ठीक से समझा है। आई नो दैट यू लिव हेयर, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ रहते हो। आई नो तो मेन क्लॉज है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू हुई है दैट यू लिव हेयर, कि तुम यहाँ रहते हो। देखिए दैट यू लिव हेयर, कि तुम यहाँ रहते हो, ये अपने आप में इनकम्प्लीट थाट एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, इसे आप इतना सा लिखेंगे तो लगेगा कि यार देयर समथिंग मिसिंग, दैट यू लिव हेयर। बाकी सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, क्लॉज होने की जितनी कंडीशन है उन्हें सबको पूरा कर रही है, लेकिन थाट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये यहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लॉज में आई। अब सवाल ये कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में कौन सी वाली है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट यू लिव हियर, कि तुम यहाँ रहते हो। तो मैंने बताया था आपको कि जो क्लॉज व्हाट का आंसर दे उसे नाउन क्लॉज कहते हैं, क्लियर है। तो आई नो ये मेन क्लॉज हो गई, दैट यू लिव हियर ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी नाउन क्लॉज कहा जाएगा इसे। सेकंड सेंटेंस देखें, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो।
मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है ये विच का आंसर देती है, ठीक है, और ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। मैं उस जगह को जानता हूँ, कौन सी जगह, वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो, विच प्लेस, जहाँ तुम रहते हो, ठीक है। द प्लेस वो नाउन हुआ और नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है वो पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, कोई अकेला एडजेक्टिव नहीं, तो ये रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज है। गो वेयर यू केम फ्रॉम, जाओ जहाँ से आए हो, तो वेयर दूसरे वाले में भी है, वेयर तीसरे वाले में भी है। एडवर्ब जो होते हैं वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। तो गो यहाँ पर वर्ब है और इस वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है, और चूंकि पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये एडवर्ब क्लॉज कहलाया जाएगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कह सकते, सॉरी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि वेयर जो है यहाँ इज रेफरिंग टू सम प्लेस। ही आस्क मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क मी वेयर आई लिव्ड, अब वेयर इसमें भी है, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता था, व्हाट डिड ही आस्क मी, उसने मुझसे क्या पूछा, इसका आंसर दे रही है क्लॉज पूरी, तो ये नाउन क्लॉज हो गई। डू यू नो द रीज़न व्हाई ही इज एब्सेंट टुडे, क्या तुम वो वजह जानते हो कि वो आज एब्सेंट क्यों है। द रीज़न, विच रीज़न, कौन सी वजह, व्हाई ही इज एब्सेंट टुडे, और द रीज़न वो नाउन हो गया, ठीक है, और ये जो है पूरा रिलेटिव क्लॉज हो गई। डू यू नो व्हाई इज एब्सेंट टुडे, वाई फिर आ गया, क्या तुम जानते हो कि वो क्यों एब्सेंट है, डू यू नो, क्या जानते हो, तो ये व्हाट का आंसर दे रही है, तो ये यहाँ पर नाउन क्लॉज। शी वेंट देयर बिकॉज शी हैड नो अदर ऑप्शन, अब बिकॉज से एडवर्ब क्लॉजेज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, और अगर बिल्कुल टेक्निकली बताना है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, ध्यान रखिए बिकॉज से एडवर्ब क्लॉजेज ही इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ही इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, ये वो लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी, ही इज द बॉय ये मेन क्लॉज है, हु हेल्प मी यस्टरडे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और हु जो है यहाँ पर कौन का काम नहीं कर रहा है, जिसने, जो या जिसने की जब बात होगी तो वो रिलेटिव क्लॉज बनाता है, ठीक है। ही इज द बॉय ये मेन क्लॉज, हु हेल्प मी यस्टरडे रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट है ये, अपने थॉट के लिए किसी पहले वाली क्लॉज पर डिपेंड कर रही है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन मोर टेक्निकली, अदरवाइज एडवर्ब क्लॉज भी काफ़ी है। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, दो एज हैं इसमें, पहला वाला एज वो तो सिर्फ एडवर्ब है, ठीक है, जो कि फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट भी एडवर्ब है, फास्ट जो है रन को मॉडिफाई कर रहा है और एज जो है फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये तो सिर्फ एडवर्ब्स हैं, लेकिन ये जो एज ही कुड है ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो इस तरह इस भारी को भी आप आसान बना सकते हैं, अगर जो जो सटल डिफरेंसेस हैं वो समझ जाएं, और अभी भी अगर आपको कोई शक है इस टॉपिक पर, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, उन कमियों को दूर करने के लिए आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू, एंड आई होप you have understood this topic. If there is any problem, any query, any doubt, please be frank and let me know the same. Thank you very much. Have a nice time.